नमो नमः छात्राः स्वागतमस्तु लेसन नंबर टू वार्तालापः और डायलॉग कन्वर्सेशंस स्टूडेंट्स टुडे वी विल सी द सॉल्यूशन ऑफ द वर्कबुक लेसन नंबर टू वार्तालाप लेट्स सी द एमसीक्यू फर्स्ट भावेशः कम अभिवादयति भावेशः कम अभिवादयति आंसर इज अ चेतनाम तो भावेश किसका अभिवादन करता है तो आंसर है चेतनाम कह भावेशम सत्करोति कह भावेशम सत्करोति सत्करोति मीन्स वेलकम्स हु वेलकम्स भावेश तस्य वयसस्य तस्य भगिनी तस्य जनकः तस्य भ्राता वयसस्य मीन्स फ्रेंड हिज फ्रेंड तस्य भगिनी हिज सिस्टर तस्य जनकः जनकः मीन्स फादर हिज फादर तस्य भ्राता भ्राता मीन्स ब्रदर हिज ब्रदर सो आंसर इज तस्य भगिनी भगिनी मीन्स सिस्टर देयर इज अ डायलॉग बिटवीन हुम इन द चैप्टर वार्तालापः There are four options, Chetna and father, mother, daughter, Bhavesh and Chetna, Bhavesh and mother. The answer is Bhavesh and Chetna. Number four, Ruchikaram plus Asti, Etasya Sandhi Kuruta. So join the Sandhi, Ruchikaram plus Asti, answer is Ruchikaram Masti. Students, Sandhi jab joint up karte ho, to jab last word halant hai, plus halant ke baad, aap dekh rahe ho, jab disjoint words hote, yahan pe a swar hai. तब रुचिकरम मस्ती बराबर हलंत और ये एक साथ ऐसे जॉइंट लिखा जाता है रुचिकरम मस्ती गिव द संस्कृत वर्ड फॉर चपाती चपाती मीन्स रोटी का भोजने किम किम अस्ति इति कह निवेदयति सो हु सेड दिस भावेशस्य भगिनी मीन्स भावेश सिस्टर व्यंजनम व्यंजनम इति शब्दस्य आंग्लभाषायां कह अर्थः व्यंजनम मीन्स वेजिटेबल स्टूडेंट्स व्यजनम मीन्स फैन व्यंजनम मीन्स वेजिटेबल दो वर्ड्स है संस्कृत में व्यजनम एंड व्यंजनम नंबर एट अवलेहम इति शब्द से आंग्ल भाषायाम कह अर्थ अवलेहम मीन्स पिकल तक्रम मीन्स बटर मिल्क भावेशः भोजनम क्रीदुषम वदति भावेशः भोजनम क्रीदुषम वदति तो भावेश सेड द फूड इज टेस्टी टेस्टी मीन्स रुचिकरम सो भावेश भोजनम रुचिकरम वदति सिद्धम प्लस एव जॉइन द वर्ड्स सिद्धम प्लस एव सिद्धमेव सेपरेट ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स ग्रुप रोटिकाम साटिकाम मोदकम दालम तो रोटिकाम मोदकम एंड दालम ये सारी खाने की चीज है साटिकाम मीन्स साड़ी तो ये अलग वर्ड है ऑड वर्ड है एक्सरसाइज नंबर टू राइट द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्ड्स लवणम मीन्स सॉल्ट मोदक मीन्स स्वीट बॉल सिद्धम मीन्स रेडी इदानीम मीन्स नाउ थ्री राइट द संस्कृत मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड्स राइस द संस्कृत वर्ड फॉर द राइस इज ओदनम ओदनम मीन्स राइस इज नॉट मीन्स मास्तु इज नॉट मास्तु सो मीन्स परिवेशयतु गिव ददातु थैंक्स धन्यवाद फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज नंबर फोर फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द चैप्टर नमस्कार भावेश डैश नमस्कार भावेश आगच्छतु तो स्टूडेंट चैप्टर के अनुसार ही आपको फिलअप करनी है किमपि मास्तु इदानीं भोजनम आवश्यकम किंचित तक्रम अपि आवश्यकम एकम मोदकम अपि ददातु अवलेहः अपि अस्ति एक्सरसाइज नंबर फाइव राइट और रॉन्ग पुट राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट चेतना इज भावेश मदर सो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस रॉन्ग है बिकॉज चेतना इज भावेश सिस्टर चेतना वेलकम्स भावेश विद द वर्ड्स नमस्कार इट इज राइट भोजने मोदक अस्ति इट इज राइट दालम अपि मा स्वीकरोतु मा मीन्स डोंट सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग मम भोजनम समाप्तम इट इज राइट मैच द कॉलम ए एंड बी करेक्टली एक्सरसाइज नंबर सिक्स तो भोजनम 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 सिद्धम एव अस्ति भोजनम सिद्धम एव अस्ति आसनम ग्रहणम करोतु इदानीम इदानीम ओदनम ददातु ये आंसर यहाँ पे आपको लिखने भोजनम सिद्धम एव अस्ति आसनम ग्रहणम करोतु इदानीम ओदनम ददातु Answer each of the following questions in one sentence.
भावेशः चेतनायाः कथम अभिवादनं करोति। भावेशः चेतनायाः नमस्कारेण शब्देन अभिवादनं करोति। नंबर टू, चेतना भावेशं कथम सत्करोति। चेतना भावेशं नमस्कारेण सत्करोति। नंबर थ्री, चेतना भोजन विषये किं वदति। चेतना वदति भोजनं सिद्धमेव अस्ति। भोजने किं किम् अस्ति। भोजने व्यञ्जनम् अस्ति, रोटिका अस्ति, औलेह अस्ति, मोदकः अस्ति, ओदनम् अस्ति, दालं च अपि अस्ति। नंबर फाइव, चायं कॉफी वा। एतत् वाक्य कः वदति। दिस हु सेड दिस सेंटेंस। एतत् वाक्य चेतनां वदति। एक्सरसाइज नंबर एट, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू सेंटेंस इन इंग्लिश। व्हाट डज भावेश से व्हेन चेतना आस्क अबाउट टी और कॉफी। भावेश सेज दैट फूड वॉज नेसेसरी व्हेन चेतना आस्क टी और कॉफी। व्हाट डज भावेश से अबाउट सॉल्ट एंड बटर मिल्क एट द टाइम ऑफ द लंच। व्हाट डज भावेश से अबाउट द सॉल्ट एंड बटर मिल्क। भावेश सेज गिव द सॉल्ट एज मच एज इज नीडेड एंड अ लिटल बटर मिल्क इज ऑल्सो नीडेड। व्हाट डज चेतना से अबाउट पिकल। चेतना सेज दैट देर वॉज अ पिकल ऑल्सो इन द लंच। व्हाट डज भावेश टेक इन लंच। भावेश टेक्स वेजिटेबल्स, रोटी, स्वीट बॉल, बटर मिल्क, राइस एंड दाल। व्हाट डज भावेश से अबाउट द लंच। भावेश सेज द लंच इज टेस्टी। ओके तो स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश में आंसर्स आपको लिखने हैं। एक्सरसाइज नंबर नाइन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। भावेश वदति नमस्कारः। भावेश सेज नमस्कारः। चेतना कथयति नमस्कारः भावेश आगच्छतु सर्वं कुशलं वा। चेतना सेड नमस्कार भावेश वेलकम इज एवरीथिंग ओके। भावेश कथयति सर्वं कुशलं। भावेश सेज एवरीथिंग इज फाइन। चेतना कथयति उपविशतु जलं स्वीकरोतु। चेतना सेज सिट डाउन हैव अ वाटर। भावेश कथयति मास्तु इदानीं ओदनं ददातु। भावेश सेज नथिंग नाउ गिव मी राइस। चेतना कथयति स्वीकरोतु दालं अपि स्वीकरोतु। चेतना सेज टेक इट ऑल्सो टेक दाल। भावेश कथयति धन्यवादः। भावेश सेज थैंक यू। चेतना कथयति अन्यत किमपि आवश्यकम्। चेतना सेज इज एनीथिंग नीडेड। तो ये थी वर्कबुक की सारी एक्सरसाइजेस स्टूडेंट्स, इस तरह आपको कंप्लीट करनी है। एक्टिविटीज में थोड़ा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो लाइन दी गई है, भोजनम सिद्धमेव अस्ति। यूज द वर्ड चित्रम मोदक चायम दालम तक्रम रोटिकम द प्लेस ऑफ भोजनम। भोजनम सिद्धमेव अस्ति मीन्स द फूड इज रेडी। यूज द वर्ड चित्रम प्लेस ऑफ द भोजनम। चित्रम सिद्धमेव अस्ति द पिक्चर इज रेडी। मोदकम सिद्धमेव अस्ति द स्वीट बॉल इज रेडी। चायम सिद्धमेव अस्ति द टी इज रेडी। दालम सिद्धमेव अस्ति द दाल इज रेडी। तक्रम सिद्धमेव अस्ति द बटर मिल्क इज रेडी। रोटिकाम सिद्धमेव अस्ति द चपाती और द रोटी इज रेडी। सेकेंड एक्टिविटीज में भी स्टूडेंट्स आपको इसी तरह किंचित तक्रम आवश्यकम, ये जो सेंटेंस है उसमें वर्ड है तक्रम। यूज द वर्ड जलम पायसम दुग्धम क्षीरम व्यंजनम दालम द प्लेस ऑफ तक्रम। किंचित तक्रम आवश्यकम मीन्स सम बटर मिल्क इज नीडेड और नेसेसरी। यूज जलम किंचित जलम आवश्यकम सम वाटर इज नेसेसरी। किंचित पायसम आवश्यकम पायसम मीन्स खीर सम खीर इज नेसेसरी। किंचित दुग्धम आवश्यकम सम मिल्क इज नेसेसरी। किंचित क्षीरम क्षीरम आवश्यकम। क्षीरम का मतलब स्टूडेंट्स मिल्क होता है, दुग्धम का मतलब भी मिल्क होता है। सम मिल्क इज नेसेसरी। किंचित व्यंजनम आवश्यकम सम वेजिटेबल इज नेसेसरी। किंचित दालम आवश्यकम सम दाल इज नेसेसरी। ओके एक्सरसाइज नंबर थ्री, तक्रम आवश्यकम वा। तक्रम आवश्यकम वा। इज द बटर मिल्क नेसेसरी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वा से क्वेश्चन पूछा जाता है संस्कृत में। ये स्टूडेंट पूछा गया है क्या आप बटर मिल्क जरूरी है। ओके तो यूज द वर्ड जलम व्यंजनम दुग्धम ओदनम दालम अवलेहम। जलम आवश्यकम वा व्यंजनम आवश्यकम वा दुग्धम आवश्यकम वा ओदनम आवश्यकम वा दालम आवश्यकम वा अवलेहम आवश्यकम वा।
ये आपको कंप्लीट करना है डायलॉग टेक्स्ट बुक में से देखकर। एक्सरसाइज नंबर सिक्स स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके टीचर आपको जैसे कि रोटी काम, तो रोटी का रोटी काम खादामी, ओके खादामी मीन्स आई ईट, मोदकम खादामी, अपूपम अपूपम मीन्स मालपुआ, सो खादामी, ओके। तो ये आपको वर्ब लिखने हैं यहाँ पे, ओके। खाने की चीज़ें तो आप लिखोगे खादामी, पढ़ने की चीज़ें तो लिखोगे पठामी, ओके। लाइक पुस्तकम, सो पुस्तकम आप कहोगे ना, टीचर द टीचर सेज पुस्तकम, तो आप क्या आंसर दोगे पठामी, ओके। द टीचर विल से रोटिकम, सो यू विल से खादामी, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो तक्रम, तक्रम, ओके, तो पीबामी, दुग्धम मीन्स मिल्क, सो व्हाट विल यू से पीबामी, पुस्तकम व्हाट विल यू से पठामी, काव्यम व्हाट विल यू से पठामी, गीतम गायामी, रसगुल्ला खादामी। लास्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हो जो ब्रैकेट में जो वर्ड्स है ये शब्दों का प्रयोग करके सेंटेंस बनाना है, लाइक दिस, चषक अस्ति जलम नास्ति, चषक अस्ति जलम नास्ति, देर इज अ ग्लास बट देर इज अ नॉट वाटर, ओके। मेघ अस्ति छत्रम नास्ति, स्थालिका अस्ति भोजनम नास्ति, उद्यानम अस्ति पुष्पम नास्ति, वृक्ष अस्ति फलम नास्ति, कक्ष अस्ति छात्रा नास्ति, मेघ अस्ति छत्रम नास्ति मीन्स देर इज अ रेन बट इज नॉट एन अम्ब्रेला, स्थालिका अस्ति भोजनम नास्ति देर इज अ डिश बट इज नॉट अ फूड, उद्यानम अस्ति पुष्पम नास्ति देर इज अ गार्डन बट देर इज अ नॉट अ फ्लावर, वृक्ष अस्ति फलम नास्ति देर इज अ ट्री बट देर इज अ नॉट फ्लावर, कक्ष अस्ति देर इज अ क्लास छात्रा नास्ति बट देर इज अ नॉट अ स्टूडेंट, ओके। तो ये सारी एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज आप इस तरह कंप्लीट करोगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, नमो नमः, अस्तु।